अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजुम और आज हम वाइट मटन कढ़ाई बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में हाफ कप ऑयल लेंगे। उसमें हम एक बड़ी प्याज पीसी हुई डालेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इसका कलर हमें गोल्डन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक ही हम इसे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें 300 ग्राम मटन ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद 1.5 कप पानी डालेंगे हम इसमें और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। अब कुकर के लिड खोल देंगे हम। मटन भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसे पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पैन को हम गैस पर रख देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ जाए तब हम इसमें बीट किया हुआ 1 कप दही डालेंगे। खट्टा दही नहीं लेना है हमें, फ्रेश दही ही यूज़ करें। इसके बाद हम इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे। 20 से 22 बादाम लिए थे हमने, जिसे भिगाकर हमने पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब एक चीज़ स्लाइस डालेंगे, आप इसकी जगह चीज़ क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने से ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल क्रीमी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। हमारा वाइट मटन कढ़ाई बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वाइट मटन कढ़ाई को रोटी, नान, पराठा, चावल इनके साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।